हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि ये एक विल्ला है, फार्म है, तो इसमें अभी अंदर का जो काम है लगभग 90% फिनिश है, फाइनल फिक्सिंग बच रहा है। अभी आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क। माने ये कि आप ये सामने देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक रूम है। अगर आपको सामने से चल के और दिखाते हैं, वीडियो थोड़ा सा 2-4 मिनट का लंबा होगा, थोड़ा उसे आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा बकायदे समझाएंगे। अब सामने देखिए इलेक्ट्रिक रूम है जो बल्दिया से मेन लाइन आने वाला है इधर, ठीक है। बल्दिया का केबल भी आके इधर लगा हुआ है और हमारा AMDB हो गया, फिर यहीं से केबल विल्ला के लिए जाना है, ठीक है। पीछे मैन होल है इसके, चलिए अब सामने से दिखाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, बल्दिया का मेन केबल इसी रूम में आएगा, फिर यहाँ से MDB में आएगा, फिर इस MDB से होके आगे हमारे विल्ला के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल रूम है जहाँ पे SMDB है। और ये मैन होल दिख रहा है ना, इस मैन होल के रास्ते हम अपना केबल लेकर जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, दो स्टील मार्किंग कह लो कि एक्सकवेशन होगा, तो एक्सकवेशन के लिए मार्किंग करके देना पड़ेगा कि सिविल वाली टीम एक्सकवेशन स्टार्ट करेगी, खुदाई स्टार्ट करेगी। फिर वो मैन होल से सीधा है, यहाँ पे एक मैन होल रहेगा, ठीक। अब ये मैन होल से सीधा अंदर खुदाई होते हुए पूरा ये देखिए, जो दोनों तरफ स्टील लगा हुआ है, इसके बीच में हम खुदाई करने के लिए मार्किंग किए हैं कि ये रूट है हमारा केबल का। तो एक मैन होल इधर आ गया, ये इलेक्ट्रिकल का मैनुअल, और ये देख रहे हैं ना, दो स्टील ये है, और इधर से भी दो स्टील इधर से भी एक केबल आएगा डू का, डेटा वाला, टेलीफोन वाला, तो उसका भी केबल इसी रास्ते जाने वाला है। तो जब भी एक्सटर्नल का काम चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिकल केबल रूटिंग के लिए हम लोग ऐसे मार्किंग करेंगे, फिर खुदाई हो जाएगा। खुदाई होने के बाद मैन होल बनेगा, मैन होल से पहले ही हम लोग पाइप भी डालेंगे, कल हम लोग पाइप डालेंगे, उसका वीडियो भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल काम करना होता है जब इलेक्ट्रिकल का, तो मैन होल एक, दूसरा मैन होल इधर, फिर सीधे उधर आगे जाके एक सेम मैन होल आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है एक्सटर्नल काम करने के लिए, मार्किंग। केबल का रूट किधर किधर से जा रहा है उसी तरीके से आपको मार्किंग करना होता है ताकि आप अपना स्लिप पाइप डाल सकें, ठीक है। जब स्लिप पाइप इधर हम लोग डाल देंगे तब उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, आप देखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।